हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से बाहर निकालने के बाद पछताई नीता अंबानी ने कहा कि हो गई गलती, भावुक होकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विस्तार से जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आपके हिसाब से नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से बाहर निकालकर सही किया या गलत, और साथ ही हार्दिक पांड्या के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। दोस्तों कुछ दिन पहले आईपीएल रिटेंशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें कोई भी टीम चाहे तो 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, जिसमें मुंबई इंडियंस ने अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और किरण पोलार्ड, इसमें हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। और तभी से इस बात पर हर जगह चर्चा होने लगी कि आखिर नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं रिटेन किया। अब इसी बात पर मुंबई इंडियंस की मालिक नीता अंबानी ने अपना बयान दिया है। दरअसल हार्दिक पांड्या को रिटेन न करने पर नीता अंबानी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, और उन्होंने भावुक होकर ये कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं कर पाए। हमारे पास रिटेन के सिम जारी ऑप्शन थे और चारों में हमने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हार्दिक पांड्या बहुत ही अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं, लेकिन हम उन्हें ऑप्शन में खरीदने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हार्दिक पांड्या को कोई और टीम खरीद लेती है तो इस बात से उन्हें काफी दुख होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी वक्त मैच का पलड़ा अपनी टीम की तरफ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मेगा ऑप्शन में आप हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में ही देखना पसंद करेंगे या फिर किसी और टीम के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।